हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके साथ नम्रता। और सुबह के अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। मैं वॉक से आ गई हूं, नहा वहा कर पूरी तरह से रेडी हूं। अब मैं यहां पर नाश्ता तैयार कर रही हूं, जो कि मैं बना रही हूं पोहा। और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैंने ये शेयर किया हुआ है, बस आपको ये दिखा रही हूँ कि इतना मेहनत किया मैंने। देखेंगे आप, मैंने इसमें कोई भी कमी नहीं रखी है। फिर आखिर मुझे आपको मैं आगे बताऊँगी मैंने क्या किया इस पोहे का। और उसके बाद काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और शाम तक इसमें हम वीडियो में आपके साथ बने रहेंगे। और आप लोगों में से कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। क्योंकि ये इस चैनल में हर तरह के इसमें वीडियो आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये सारा चीज़ हो गया है, यानी कि पोहा का मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने पोहा डाल दिया है। और संडे को मेकअप लुक आता है, यानी कि हर तरह का इसमें आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको भी ढक के रख दिया, इसलिए क्योंकि अभी ये नहा कर नहीं आए हैं। और ये है रात का दूध, और इतना ही बचा था तो मैंने उसी बर्तन में, क्योंकि वो इंडक्शन वेस्ट नहीं था, तो वो चाय जो है मैंने गैस पर चढ़ा दिए लो फ्लेम करके। और अब ये नहा कर आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर प्लेट में नाश्ता लगा लेती हूँ। और देखेंगे आप, इतना अच्छा नाश्ता तैयार करने के बावजूद भी मुझे ये फेंकना पड़ा। आप सोचिए कैसा लगेगा, देख के कितना अच्छा लग रहा है ये नाश्ता, कि किसी के भी जीभ में पानी आ सकता है। मैंने कितना मेहनत किया, इसीलिए मैंने ये 1-1.5 मिनट का आपको ये क्लिप दिखाया कि मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, उसके बावजूद भी ये फेंकना पड़ा। और हंसी भी आएगी, अफसोस भी होगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो डियर, कहते हैं आप सब। तो आपने देखा मॉर्निंग का नाश्ता, जो कि मैंने पोहा बनाया था, उसमें मैंने क्या गलती की थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप लोगों को भी हंसी आएगी। और ऐसा हुआ कि जब मैंने उनको नाश्ता दिया तो वो भी मेरी गलती नहीं देख पाए, यानी कि वो भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर पाए और मैं भी नहीं कर पाई। पता है क्यों? सबसे पहले तो जो आपने पोहा देखा, उसमें कढ़ी पत्ता के बदले में नीम का पत्ता मैंने डाला। और हुआ क्या कि जब कढ़ी बनाना था मुझे एक दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा था नीचे से आप कढ़ी पत्ता ले आइए, तो कढ़ी पत्ता और नीम का पत्ता बिल्कुल अगल बगल है। अब इन्होंने जल्दी जल्दी में नीम का पत्ता इन्होंने ले लिया। अब ये तो नीम का पत्ता लेकर आए, लेकिन अगर मैं देखती ध्यान से और मैं बोलती कि नीम का पत्ता है तो दोबारा ला देते, तो गलती मेरी भी है 50% 50% उनकी भी है। जहाँ तक ये सोचिए कि अधिक गलती मेरी ही है। और जब दिया मैंने पोहा तो देख कर, तो इतना आप लोगों ने भी देखा, इतना अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने मुंह में डाला, मैंने सोचा कैसा तीता लग रहा है, मैंने लहसुन डाल दिया, इसी से लग रहा है, क्या हो रहा है, मैं बहुत सोच रही थी। जब उन्होंने खाया तो उनको भी लगा, बोल उन्होंने कहा ये तुम क्या बना के दे दी हो। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अब मैंने कहा अब पता नहीं ये क्या है, नहीं है पता नहीं, कढ़ी का पत्ता तीता लग रहा है क्या। कढ़ी का पत्ता जब टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा तीता था। फिर वो बोलते हैं कहीं मैंने नीम का पत्ता तो नहीं ले आया। तो टेंशन ना होकर के माहौल बिल्कुल हंसी में बदल गया। हम लोगों ने पत्ते को निकाल कर हल्का फुल्का खाया, उतना इंटरेस्ट लेकर तो नहीं खाया। और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, खाना खा के वो ऑफिस गए, मैंने बाबू को सुला दिया है। अभी बज रहे हैं 12:30। अब बहुत सारे काम करने हैं, कुछ कपड़े भी मैंने धुल कर रखे हैं, उसको डालना है। और आज बहुत सारे कपड़े में मुझे आयरन करना है। आप लोगों ने देखा था मैंने जब पेटीकोट साड़ी ब्लाउज ये सब धुला था, तो सबको मैंने उसी तरह से रख दिया। अब एक एक करके सारी चीज़ों में मैं आयरन करूँगी। और आप लोग एक सजेशन दीजिएगा, अगर आप लोगों में से किसी ने मंगाया है तो मुझे बताइएगा। मैंने अभी नहीं मंगाया है। वो जो साड़ी रखने का होता है कवर, साड़ी कवर या फिर ब्लाउज कवर, क्या वो सही होता है? क्योंकि जब मैं रिव्यू देखती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल ख़राब है। तो मैं तो भाई थोड़ा सा प्रयास करूँगी, तो मैं घर में बना लूँगी साड़ी का कवर और ब्लाउज का कवर। तो आप लोग मुझे ज़रा सा बताइएगा कि क्या वो मंगाना सही रहेगा, क्या वो सही चीज़ आता है। क्योंकि मैंने अधिक दामों का भी देखा है, तो उसमें भी रिव्यू में मैंने यही देखा है कि बिल्कुल बेकार चीज़ है, ख़राब हो जाता है। तो आप लोग ज़रा सा मुझे इस चीज़ को लेकर के हेल्प करिएगा। तो चलिए अपने कामों में लगते हैं। और आयरन भी करना है, और कुछ साड़ियाँ भी मुझे दिखाना है आपको, जिसका कि मैं ड्रेस बनाना सोच रही हूँ। सॉफ्ट साड़ी है, कई तरह की साड़ियाँ हैं, और साड़ियाँ तो मैं अधिक पहनती हूँ, लेकिन कुछ साड़ियों का मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, सिलेक्ट करके अलग निकाला हुआ है, जिससे कि काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस बन सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। जो नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो जिन्होंने किया है, जो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं, काम में लगते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ, कुछ कपड़े धुले हुए थे बालकनी में, इसको मुझे डालना है, और जो कपड़े पहले से डाले हुए हैं उसको मैं उठा लेती हूँ। ये पोछा भी मैंने धोकर रखा हुआ था, और आप लोग पीछे से कुछ गेस करिए, फिर मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या चेंजिंग आप लोगों को लग रहा है। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम आजकल फिर 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा किया हुआ है, और ऐसे मौसम में जो है लोगों को गुस्सा भी कम आता है, लोग खुश। मैं तो वैसे भी हमेशा खुश रहती हूँ, और लगातार 5-6 दिन तक वीडियो नहीं आया था, तो मैं खुद मिस कर रही थी आप लोगों से बात करना। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग जब कमेंट करते हो तो मैं उसको पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने काम को, अपने रूटीन को आप लोगों से शेयर करना। और अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे चैनल पे, बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, और मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ, लोग एक दूसरे से ही सीखकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को यहाँ पर डाल दूँगी, और कपड़े को डालने के बाद फिर ये देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने ट्रैक सूट अपना डाला हुआ है, जो सुबह पहनकर मैं वॉक पर जाती हूँ। और भी कुछ कपड़े थे जो कि इकट्ठे हो गए थे, तो मैं टब में कपड़ा रखती हूँ, 2-3 दिन का जमा हो जाता है, फिर मैं धो लेती हूँ। और ट्रैक सूट जो होता है उसको तो रोज़ धोना होता है, तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल लेती हूँ। सारे कपड़े को मैंने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ गेस किया पीछे से, अब देखेंगे यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े में आयरन करने के लिए। और देखेंगे मैंने इस दीवान को घुमा दिया है, पहले ऐसे था, जब पूजा वगैरह का आप ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे, अभी मैंने इस तरह से कर दिया है। बार बार चेंज करते रहने से ना थोड़ा सा घर का माहौल बदल जाता है, तो ये मैं करते रहती हूँ। और ये सूट जो कि मैंने पहना है, खुद से बनाया है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े को रखा है, और जितना देर तक मैं आयरन कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ आपको, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मुझे लग भी रहा था कपड़ा डाली हूँ कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं ये कर्टन भी उड़ रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इसीलिए इधर मैं अब बैठ गई हूँ कपड़े को लेकर के, और मैं एक अच्छी सी मूवी लगा लूँगी आराम से। पहले तो थोड़ा सा न्यूज देखूँगी, उसके बाद मूवी लगा कर मैंने 2-3 घंटे तक, आपको तो मैं मुश्किल से 5-10 मिनट दिखाऊँगी, लेकिन 2-3 घंटे आयरन में लग गए थे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़ा सेलेक्ट करूँगी, और आज सिर्फ और सिर्फ मैं अपना कपड़ा आयरन करूँगी, तो बाबू का और इनका मैंने सब फोल्ड करके टप में रख दिया। और आज जो मैं अपना कपड़ा आयरन करूँगी उसमें 4-5 प्लाजो होगा, 2-3 कुर्ती, 2-3 सूट होगा, और लेकर तो मैं अभी देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, मुझे लगता है 10-12 ब्लाउज तो ज़रूर होंगे। और मेरा जो है बच्चा अभी जग के आ गया था, उस रूम से निकल के यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर जब मुझे आयरन करते हुए देखा तो बोला मैं यहीं पर लेट जाऊँ, तो फिर वहाँ नीचे में वो लेटा हुआ है, नीचे बिल्कुल साफ वाफ होता है, उसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो जग ही गया था, उस समय से ही जग गया था, और यहाँ पर मैं आयरन कर रही थी, कभी उसका गेम लगाती थी, कभी मैं मूवी देख रही थी। तो अब यहाँ पर मैं प्लाजो आयरन कर रही हूँ, तो एक एक करके 4-5 प्लाजो जो कि मैंने साइड में रखा हुआ है सब मैं आयरन कर लूँगी। और कपड़े इकट्ठे जब हो जाते हैं, आप लोगों के साथ भी होता होगा, जिस काम को छोड़ दीजिए वही काम इतना बढ़ जाता है। अभी मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी, ड्रेसिंग टेबल जो मेरा है, जितना कॉस्मेटिक सामान आप लोगों के साथ शेयर किया है, इंसान क्या करेगा, एक दिन में वो कितना कर सकता है। ऐसे देखिए जोड़ने से होता है, 24 घंटे का समय होता है, 6 घंटा लोग सोया, 18 घंटा क्या करेगा, लेकिन समय कैसे निकलता है ये तो आप लोग भी समझते हैं। हर क्षेत्र में आपको ध्यान देना होता है। अब इतना जमा हो गया था, ये मेरा ब्लाउज वगैरह जो मैं तीज में पहनी थी वो सब धुल धुल के मैंने गोदरेज में रखा था, अब आप ऐसे रख दीजिएगा गोदरेज में तो पूरा भरा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है जब आप को कह दे कि कैसे रखी हो गोदरेज अगर, तो कितना ख़राब लगता है। तो मुझे लगा ये पहले बोल दे कि गोदरेज इस तरह रखी हो, इससे पहले मैं अपने काम में लग जाऊँ। और अब मैं रोज़ रोज़ आज तो कुछ ज़्यादा ही मैं कर रही हूँ, लेकिन आधा घंटा एक घंटा मैं रोज़ कपड़े को आयरन करने में समय लगाऊँगी, और इसीलिए मैं कर भी रही हूँ कि अगर मान लीजिए दुर्गा पूजा में घर जाना है तो उस समय टेंशन नहीं होगा क्या लेना है कैसे, क्योंकि आयरन किया हुआ रहेगा तो अपना कुछ भी है निकाल लो।
तो यहाँ पर आपने देखा मैरून, ब्लू और पिंक प्लाजो मैंने आयरन किया। यहाँ पर मैं ग्रीन प्लाजो आयरन कर रही हूँ। ये सब मैंने ऑफलाइन मंगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट है ये कपड़ा। तो प्लाजो मैं आयरन कर रही हूँ और एक बाहुबली शायद मूवी चल रही थी उसको मैं देख रही हूँ, और जब ऐड आता है तो फिर बाबू का लगा देती हूँ। डियर आप लोग कमेंट्स कर बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि किसी भी क्षेत्र का आप काम छोड़िए तो उसी क्षेत्र में काम बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन गोदरेज नहीं देखा, गोदरेज में उथल पुथल मच जाएगी। किचन को आपने अगर काम करके बस आप निकल रहे हैं, किचन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर किचन की स्थिति इस तरह हो जाती है। तो पता नहीं इंसान क्या क्या करेगा, काम करने पर लगे तो इंसान इतना थक जाता है कि पूछिए मत। यहाँ पर जिस कुर्ती में मैं आयरन कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे कई वीडियो में देखा होगा, तो ये जो कुर्ती है इस पर इतना मल्टी कलर फ्लावर है कि कोई भी प्लाजो इस पर चल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है और मुझे पसंद भी है, और ये सॉफ्ट भी उसी तरह से है। और इतना कपड़ा तो अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे कपड़े में आयरन किए थे। अभी बाबू का बचा है, इनका बचा है, तो मैंने नेक्स्ट डे क्यों किया, क्योंकि फिर बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी, फिर शाम का खाना भी बनाना था। यहाँ देखेंगे मेरा दो तीन कुर्ती और सारा प्लाजो हो गया। अब यहाँ पर मैं ब्लाउज में आयरन करना शुरू करूँगी, तो देख लेते हैं कितना ब्लाउज अभी मैं लेकर बैठी हूँ। खुद काउंट करिए, मुझे लगता है 8, 10, 11 ब्लाउज तो ज़रूर होगा, और इसमें भी आयरन करना है। इसीलिए इतना ब्लाउज हो जाता है कि मैं गोदरेज में, एक दिन मैं आपको गोदरेज दिखाऊँगी अपना, जो बास्केट आता है उसमें मैं रखती हूँ पेटीकॉट और ब्लाउज, लेकिन उसमें भी बिल्कुल उथल पुथल हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रही थी वो कवर मंगाने का, तो रिव्यू उतना अच्छा मैंने नहीं देखा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों में से किसी ने मंगाया है। तो अब देखेंगे मेरा जो शौक होता है, जैसे ये ग्रीन है तो ये हाफ बाजू का है ब्लाउज, अब ग्रीन में मेरे पास फुल बाजू का भी है। हर कलर का मैंने आप लोगों को एक बार और भी बताया है कि चाहे उस कलर का मेरे पास साड़ी हो या ना हो, लेकिन मैं हर कलर का ब्लाउज और पेटीकॉट अपने पास रखना चाहती हूँ और रखती हूँ, ताकि अगर कोई भी साड़ी अचानक से पहनना पड़े तो अगर उसका ब्लाउज नहीं भी बना है तो हम पहन सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो इसमें भी कई ऐसे कलर हैं जो अभी मेरे पास नहीं है, डार्क ब्लू जैसे हुआ, डार्क पिंक जैसे हुआ, तो इस तरह के ब्लाउज। और ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कुछ साड़ी के ब्लाउज भी हैं जिसका कि जिसको मुझे बनाना है। तो आप लोग कुछ ब्लाउज का डिज़ाइन शेयर करिएगा। ज्योति, मुझे आपके ब्लाउज का डिज़ाइन तो दिल छू गया है, लेकिन उस तरह के बॉर्डर वाला अभी मेरे पास कोई ब्लाउज का पीस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। और यहाँ देखेंगे इस तरह से मैंने सारे कपड़े में आयरन कर लिया है, और 3 बज गए हैं लगभग, 3:30, और इतना ब्लाउज देख रहे हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आयरन किया इतना किया है, काफ़ी समय लग गया था। और ये 2-3 सूट है, कुर्ती है, प्लाजो है, इतना आयरन किया। अब मैं जा रही हूँ बालकनी और कपड़े उठाने, और आप देख रहे हैं मैं एप्रॉन पहनी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी काफ़ी शाम हो गया है और मैंने शाम की सब्ज़ी बना ली है। आप सोच सकते हैं कितना शाम हो गया, क्योंकि ये सवेरे आने वाले थे, बाबू भी बोल रहा था कि मैं, मुझे कुछ खाना है, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बनानी है तो बना ही लेती हूँ। और मैंने इतना अच्छा सब्ज़ी बनाया है, मतलब मसाला भिंडी बनाया है, इस वीडियो में मैं आपको शेयर नहीं आपके साथ कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मसाला भिंडी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़ा उठा लेती हूँ, काफ़ी शाम हो गया है, और आज बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय डियर, चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय डियर, लव यू ऑल।